मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना, इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा, दे दिया मैंने इस्तीफा, दे दिया मैंने, मुझे नौकरी नहीं करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज, मैं हूं आपके साथ अभय। जहां एक ओर पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पर भी सियासी नेता अपनी बदतमीज हरकतों के जरिए राजनीति चमकाने की जुगत में लगे। ऐसा कुछ वाक्या भोपाल में सामने आया है। यहाँ सरकारी जेपी अस्पताल में कांग्रेस विधायक और पार्षद ने ड्यूटी डॉक्टर के साथ इस कदर बदतमीजी और अमर्यादित व्यवहार किया कि डॉक्टर ने रोते हुए अपने पद से इस्तीफा ही दे दिया। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, पर उसके पहले आप हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्पताल में डॉक्टरों को जबरन धमकाते हुए ये हैं कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा और कांग्रेस पार्षद गुड्डू चौहान। इनके इस हंगामे के चलते अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पतालों में बेड, स्टाफ और ऑक्सीजन की कमी के बीच डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जबरदस्त दबाव में काम कर रहा है। ऐसे में सीनियर डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव अपने साथ हुए इस अपमानजनक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने इस घटना से दुखी होकर अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे डाला। मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना, इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा, दे दिया मैंने इस्तीफा, दे दिया मैंने, मुझे नौकरी नहीं करना। जैसे ही पेशेंट आया मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया साथ वालों को, देखो हालत बहुत खराब है, कुछ नहीं हो सकता, एक भी बेड उपलब्ध नहीं था अस्पताल में, और कहीं बाहर शिफ्ट नहीं हो सकता। मैंने वहीं रह के उसको जितनी मेहनत कर सकते इमरजेंसी में मेहनत करी, और दो तीन बार मैंने पेशेंट के साथ वालों बता दिया दादा कि इसको बाहर भी नहीं भेज सकते इसीलिए कि हालत बहुत खराब है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह बिना उकसावे के कांग्रेस नेता डॉक्टर को सरेआम धमका रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स को जहां पूरा देश सम्मान कर रहा है, वहां महामारी के दौरान ऐसी बदतमीजी और अपमान, क्या सियासत चमकाने के लिए अब यही हरकतें करना बाकी बचा है? क्या नेताजी और उनके साथियों पर कोई कार्रवाई होगी? मैं निवेदन करूंगा खासकर भोपाल के विधायक पीसी शर्मा जी से कि वो स्वयं आगे आए और जिस प्रकार का उन्होंने बर्ताव किया है उसको लेकर बातचीत करें। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता। जिन डॉक्टर्स ने इस्तीफा और इस तरह की बातें, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे, हल हो जाएगा। पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ पीसी शर्मा जी से और बाकी सभी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों से कि इस समय संयम अनुशासन का ध्यान रखें और ऐसा कुछ ना करें जिससे कि वो वर्ग जो अपनी जान पर खेलकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा है बहुत उत्साहित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज़।